अलवर शहर के वार्ड नंबर 24 और 29 में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से परेशान होकर महिलाओं ने पार्षद सुमन चौधरी के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर एडीएम सिटी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या को दुरुस्त करवाने की मांग की गई है। सुमन चौधरी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वार्ड नंबर 24 और 29 में पानी की आपूर्ति जलदाय विभाग द्वारा नहीं की जा रही है और न ही पानी की टंकी या जलदाय विभाग द्वारा भरी जा रही है। ऐसे में दोनों क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 24 और 29 में पानी की समस्या के चलते महिलाएं लामबंद होकर जलदाय विभाग कार्यालय मनुमारक पर पहुंची थी, जहां पर अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया गया और अधिकारियों ने कहा कि पानी की समस्या को दुरुस्त करने में सक्षम नहीं है और असमर्थ है, जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज महिलाएं आक्रोशित होकर मिनी सचिवालय पहुंची और एडीएम सिटी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की महिलाएं पानी के लिए बहुत परेशान हैं। ऐसे में पूरे अलवर शहर में पानी की किल्लत हो चुकी है, जगह जगह जाम और जलदाय विभाग कार्यालय में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पहले बुर्जा से पानी के शहर में आपूर्ति की जा रही थी, ऐसे में बुर्जा गांव के अंदर 15 ट्यूबवेल में से 13 ट्यूबवेल सूख चुके हैं और अब एक ट्यूबवेल अभी सूखने की कगार पर है, इसलिए पानी की आपूर्ति शहर में नहीं की जा रही है। चलते हुए काफी टाइम हो गया है। कल हमने जलदाय विभाग में भी जाके अवगत कराया अफसरों को, अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए और एक पत्र भी लिख के दिया है, वो आप सबको आप सबके पास मिल भी पहुंच भी गया और मैं अभी कॉपी भी लाई हूँ उसकी, वो आपको मैं दे भी दूंगी। पिछले 5-6 दिन से एक बूंद पानी नहीं है, टंकी नहीं भर रहे हैं बिल्कुल भी। एक बूंद पानी कैसा होता है, जहाँ कोई बोरिंग है वहाँ पीने का पानी मिल रहा है, नहीं तो 1% पानी नहीं है कहीं भी। हमने कल जलदाय विभाग जाके प्रदर्शन किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पानी देने में सक्षम नहीं हैं, हम पानी देने में असमर्थ हैं, आपसे जो हो वो कर लो आप। कौन सा वार्ड है मैडम? वार्ड नंबर 24 और 29। कितने टाइम से समस्या आ रही है? इससे पहले भी पिछले एक महीने से बहुत ज्यादा समस्या तो काफी, जब से ये सरकार आई है, जब से ये गहलोत सरकार आई है, ये खुद की कुर्सी बचाने में लगी हुई है, होटलों में शिफ्ट है, कुर्सियों से चिपकी पड़ी है कि हमारी कुर्सी चली ना जाए, लेकिन जनता 2023 में इतना जबरदस्त जवाब देगी इनको कि कभी ढूंढने लायक कांग्रेस बचेगी नहीं। जो एक तरफ तो राहत कैंप लगा रहे हैं गरीबों के लिए और दूसरी तरफ देखो तुम राहत कैंप राहत में क्या दोगे, जब तुम पानी नहीं पिला पा रहे हो पब्लिक को तो राहत किस चीज़ की राहत दे रहे हो? आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाना है। जो भी मैं तो कहना चाहती हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि आए ना बाढ़ में, जो भी आए उसे आप जवाब मांगे कि हमारे लिए 5 साल में कितना पानी के लिए काम किया, उस हिसाब से जनता वोट करे आने वाले 2023। कुछ नहीं है, पानी है ही नहीं, 1% भी पानी नहीं है। टैंकर आते हैं तो टैंकर भी 0% है। जब आज धरना प्रदर्शन करते हैं, आज किया है तो 10 भिजवा देंगे 15, लेकिन 10,000 पब्लिक हमारे बाढ़ में आती है, 10 टैंकरों से क्या होगा? जिला कलेक्टर रहे जितेंद्र सोनी ने मीटिंग भी ली थी जलदाय विभाग में, जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए थे, उसकी कोई पालना नहीं हुई? अभी नए कलेक्टर अभी तक कोई पालना नहीं हुई। जब पालना करने का इन लोगों का नंबर आया, इनको पालना करनी थी, उस इन्होंने सबने दबाव बना के और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से मिलके उस सोनी जी का तबादला करवा दिया। वो एक सोनी जी कलेक्टर इतने अच्छे थे, जो जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती थी वो कलेक्टर उसकी सुनता था, वो सबके काम करवाता था। उसने जो बोरिंगों का आज घोटाला हुआ है, 4 बोरिंगें हमारे बाढ़ में जो लगी हैं उसमें जो घोटाला हुआ है, जो करके गया ठेकेदार, आज क्या अफसरों के कहने से वो ठेकेदार आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये सब मिले पड़े। सोनी जी से मेरी पर्सनल बात हुई, मैंने उनको लेटर लिख के दिया, उन्होंने कहा मैडम 3 दिन के अंदर